वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्राफर। सो गाइस, ये है आईफोन 15 प्लस एंड आज हम इस वीडियो में इसका जो कैमरा है उसका क्विक रिव्यू करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले बार आईफोन 14 के जैसा ही आईफोन 15 में भी सिर्फ यहाँ पर दो कैमरा पीछे की तरफ दिया गया है एंड सामने में सिंगल कैमरा है। बट यहाँ पर बहुत एक मेजर इम्प्रूवमेंट है, जो पीछे का जो मेन कैमरा है गाइस वो आपको अब 12 मेगापिक्सल छोड़कर 48 MP यानी 48 MP का एक सेंसर है उसको प्रोवाइड किया गया है एंड साथ में आपको 12 MP का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है। एंड यहाँ पर जो 48 MP का जो मेन कैमरा है वो उसमें आपको पिक्सल बाइनिंग करके आप 24 MP में एंड 12 MP में आप 2x टेलीफोटो यहाँ पर जो इमेज है उसको आप खींच सकते हो एंड उसके साथ साथ आप मैक्सिमम 4x ऑप्टिकल जूम तक आप यहाँ पर जा सकते हो एंड 10x डिजिटल जूम तक जा सकते हो। पिछले बार आईफोन 14 में ये फीचर नहीं था, सिर्फ 12 MP था, तो उसमें जो टेलीफोटो कोई ऐसा कोई बोल के कुछ फीचर या फिर कोई कैमरा नहीं दिया गया था, इस बार भी नहीं है। बट यहाँ पर जो ऑप्टिकली लोग क्या किया है कि पिक्सल बाइनिंग करके 48 MP को आप 12 MP में 2x टेलीफोटो में कन्वर्ट किया है एंड साथ में आपको यहाँ पर मिलता है डीप फ्यूजन फोटोजेनिक इंजन एंड ट्रूटोन जैसे फ्लैश वगैरह जो यहाँ पर फीचर मिलता है। एट द सेम टाइम नाइट मोड, पैनोरामा, फोटोग्राफिक स्टाइल, लेंस करेक्शन, ब्रस्ट मोड, फोटो जियो टैगिंग एटसेट्रा। बट यहाँ पर और एक आपको इम्प्रूवमेंट फीचर दिया गया है, वो है गाइस इसका पोर्ट्रेट मोड को लेकर। सपोज आप कोई भी फोटो यहाँ पर खींचते हो एंड सपोज वो पोर्ट्रेट मोड नहीं होता, नॉर्मल फोटो है, उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो एज ए पोर्ट्रेट। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, इसको मैं आगे चल के आपको अच्छे से बताऊंगा। एंड बात करें यहाँ पर फ्रंट कैमरा में, तो इसमें आपको पिछले बार जैसे यहाँ पर 12 MP का कैमरा दिया गया है, साथ में आपको f1.9 का अपर्चर दिया गया है एंड इसमें भी आप यहाँ पर जो ऑटो HDR है, उसके बाद जो पोर्ट्रेट इफेक्ट है, एट द सेम टाइम नाइट मोड, ये सब कुछ आपको मिलता है। एंड बात करें वीडियो में, तो गाइस इस बार आपको बहुत अच्छा फीचर मिला है गाइस, जो है एक्शन मोड एंड सिनेमेटिक मोड। सिनेमेटिक मोड एंड एक्शन मोड आईफोन 14 जो बेस वेरिएंट था उसमें नहीं था, बट इस बार आईफोन 15 एंड 15 प्लस में यहाँ पर 4K HDR एट 30 FPS में एंड यहाँ पर 2.8K एट 60 FPS में आप यहाँ पर एक्शन मोड एंड सिनेमेटिक द्वारा यहाँ पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड बाकी जो नॉर्मल फीचर्स जैसे कि 4K एट 60 FPS, 1080p 60 FPS, ये सारे यहाँ पर जो फीचर है या वीडियो रिकॉर्डिंग जो ऑप्शन आपको मिल जाता है। एंड एट द सेम टाइम बात करें फ्रंट कैमरा में, तो इस फ्रंट कैमरा में भी यहाँ पर जो सिनेमेटिक मोड है, यहाँ पर आपको मैं कुछ फोटो या फिर जो फुटेज है वो आपको मैं दिखाऊंगा, तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। सो गाइस, ये सारे यहाँ पर जो कैमरा का सेटिंग्स या फिर जो कैमरा का जो फीचर्स है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। नाउ कम्स टू दी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज पिक्चर। तो इसमें आप देख सकते हैं मेरे सारे यहाँ पर जो पिक्चर्स है वो यहाँ पर डेलाइट एंड द सेम टाइम नाइट मोड, नाइट टाइम में भी यहाँ पर खींचा गया है। सो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर जो इमेजेस है वो बहुत ही नेचुरल आता है, आप जो अपने आंखों में देखते हो वो सेम चीज़ आप यहाँ पर जो भी इमेज खींचते हो उसमें भी आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन एंड्रॉयड में क्या है या फिर स्पेसिफिकली फॉर S23 में क्या है, उसमें आपका जो सपोज यहाँ पर जो ग्रीनरी जो कलर है उसको और ज़्यादा बूस्ट कर देता है, बट इन केस ऑफ आईफोन 15 इसमें बहुत ही नेचुरल कलर आता है एंड देखने में आई प्लीजिंग लगता है। एंड बात करें वीडियो में, तो गाइस हेल्थी फुटेज, सो फॉर ऑल द बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स हैव अ रन। ओके, सो गाइस ये बहुत थोड़ा सा टफ रोड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ी आता है। सो आई होप यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि एक्सेल मोड इनेबल करके अगर आप मैं वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आपको जो फुटेज है वो आपको कैसे मिलेगा। एज ऑफ नाउ आई कैन से कि मेरे नोट प्लस से जो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा शेकी हो रहा है, बट आईफोन 15 में एक्सेल मोड इनेबल करने के बाद आपका जो फुटेज है वो आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत स्टेबल है एंड लग नहीं रहा कि दौड़ने के बाद भी आपका ये फुटेज है। सो आई होप कि आप यहाँ पर बहुत क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रहा है। एंड हेयर देयर सम सैम्पल ऑफ नाइट मोड एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट टाइम में भी कितने ज़्यादा अच्छा क्रिस्प यहाँ पर फोटो देता है, आपको कोई भी किसी तरह का जो नॉइज़ है पिछले बार जैसा 14 में था वो एफ 15 सीरीज़ में बहुत अच्छा कर दिया गया है। सो आई होप आपको एक ओवरऑल आइडिया लगा है कि आईफोन 15 सीरीज़ का जो कैमरा है वो कैसा है। अकॉर्डिंग टू मी इट्स द मोस्ट अपग्रेडेड कैमरा दैट हैव बीन सो फार डेवलप्ड बाय एन एप्पल। एंड बात करें बेस वेरिएंट जैसे आईफोन 15 में, तो उसमें भी बहुत अच्छा यहाँ पर जो कैमरा फीचर दिया गया है कम्पेयर टू आईफोन 14, 13 एंड 12। सो दिस इज द क्विक कैमरा रिव्यू ऑफ आईफोन 15 एंड 15 प्लस। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया, जरूर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड यहाँ पर मैंने आईफोन 15 का यहाँ पर अनबॉक्सिंग भी किया है, तो गो चेक इट आउट। सो चलिए मिलते हैं, तो गुड बाय एंड स्टे सेफ़।